बॉक्स ऑफिस पर लगातार बॉलीवुड की फिल्में बुरी तरह से पिट रही है। लाल सिंह चड्ढा से लेकर रक्षाबंधन और अब विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित रही। ऐसे में न सिर्फ मेकर्स बल्कि थिएटर मालिकों को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बीच सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 सितंबर को रणवीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MMI और देश भर के सिनेमाघरों में 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर आप केवल 75 रुपए में फिल्म देख सकेंगे। 16 सितंबर को 4000 थिएटर इस साल राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन का प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस महामारी के बाद फिर से सफलतापूर्वक थिएटर्स के खुलने पर दर्शकों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जा रहा है। साथ ही ये प्रोग्राम उन सिनेमा प्रेमियों के लिए एक खुला नियंत्रण भी है जिन्होंने कोविड के बाद अभी तक थिएटरों में वापस नहीं की है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MMI ने ट्वीट करते हुए बताया, 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के लिए सारे थिएटर साथ आएंगे। इस दिन आप केवल 75 रुपए में फिल्म देख सकते हैं। नेशनल सिनेमा डे 4000 से अधिक स्क्रीनों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट।